हेलो दोस्तों, आइए 10वीं कक्षा के मैथ क्लास में आज हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में 10वीं कक्षा को जो चैप्टर 7 है ये प्रश्नावली 7.1 का 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। चूंकि इसके पहले वाले इन सभी वीडियो में प्रश्न संख्या 7 तक सॉल्व किया गया है, इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियो। और चलिए तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। उसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमके स्टडी नॉलेज में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 जो दिया है कह रहा है कि वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी 2, -3 और क्यू 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है? 10 मात्रक है। चूँकि ये प्रश्न संख्या 8 है और इसमें हमें क्या करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। क्या y का मान ज्ञात करना है? और इसमें जो दो बिंदु दिए हैं, क्या दिया है, बिंदु P वाला दिया है 2, -3 और Q वाला दिया है, और Q वाला बिंदु जो दिया है वो दिया है 10, y। ठीक, 10, y। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक। ठीक, 10 मात्रक है। तो अगला इस देखिए, y का हमें केवल मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न ये दी अगला इसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए एक फार्मूला बताया गया था, डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी जो सूत्र होता है स्मॉल डी बराबर अंडर रूट में, वो फार्मूला क्या प्राप्त होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों बिंदुओं को लेकर चलेंगे। तो अगला इसे पी क्यू बराबर में प्राप्त हो जाएगी। क्या पी क्यू? जब पी क्यू लेंगे तो पी के स्थान पर ये x1 y1 कार्य करेगा और क्यों के स्थान पर क्या कार्य करेगा, x2 y2 कार्य करेगा। तो x2 y2 कार्य करने लगेगा और यही वाला फार्मूला हम रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो अगला इसमें प्राप्त हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 - x1। तो x2 के स्थान पर क्या दिया है, 10, ये क्या दिया है, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 - x1 के स्थान पर क्या दिया है, 2। तो 10 - 2 काम क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 के भी स्थान पर क्या दिया है, y दिया है। तो हम क्या करेंगे, y - y1 के स्थान पर -3 दिया है, तो -3 रखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस प्राप्त होता है, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस करने पर प्लस प्राप्त होता है। तो अगला इसे यहाँ प्राप्त हो जाएगा क्या, पी क्यू बराबर, क्या पी क्यू बराबर अंडर रूट में 10 में से 2 घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा, 8। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस y और माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस प्राप्त हो जाएगा। तो +3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। चूँकि पी क्यू बराबर कितना दिया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक। अर्थात पी क्यू बराबर कितना दिया है, 10 मात्रक पहले दे दिया है, अर्थात 10 मात्रक दिया है। तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, इतना रखेंगे। तो अगला इसे हम क्या करेंगे, 10 या फिर अंडर रूट में 8 का स्क्वायर कितना करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 64। 8 का स्क्वायर 64 प्राप्त होता है, 64 लिखेंगे, प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। चूंकि पी क्यू के स्थान पर कितना दिया है, 10 मात्रक। तो 10 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे दोनों पद का। तो इस तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 64, कितना, 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर हमें, चूंकि ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो अगला इसे देखें, इस 64 का इस तरफ कर दीजिए पिछांतर, तो वाई प्लस 3 इम्प्लाइज दैट वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 100, और -64 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे और 64 घटा देंगे, और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, इसे सरसमिका के रूप में फार्मूला में तो रखेंगे, तो प्राप्त हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर करते हैं, 9 प्राप्त होता है, +2ab होता है, 2 × 3 अर्थात 2 × 3 = 6, 6 का गुणा y हम करेंगे, 6y बराबर प्राप्त हो जाएगा। 100 में से 64 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, 36। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 36। इस 9 का भी इस तरफ कर सकते हैं, कर दीजिए पिछांतर। तो अगला इसे वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका इस तरफ कर दीजिए पिछांतर, तो +9 - 36। 36 में से 9 को घटा दीजिए, क्या करेंगे, 36 में से 9 को घटाए देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा वाई और बराबर यहाँ क्या प्राप्त होगा, अब 0 प्राप्त होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा, 36 में से 9 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, -27। अब 27 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो, 6y प्राप्त हो जाए। तो अगला इसे ये प्राप्त हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9, 9 × 27, 9 में से 3 घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा, 6। तो अगला इसे 9y - 3y
-27 है तो -27 बराबर 0। अगला इसमें देखिए वाई कामन है तो वाई हम कामन लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा वाई प्लस 9, और यहाँ -3 कामन लेंगे, कितना लेंगे -3 कामन लेंगे तो वाई प्लस में प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्लस में प्राप्त होगा, और 3 9 27 यानी 27 में 3 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9 बराबर 0। एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं वाई प्लस 9, क्या लिखेंगे वाई प्लस 9, और दूसरे में जो बचा है उसे लिखेंगे तो वाई माइनस 3 लिखेंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक, तो ये हमें इतना प्राप्त हो गया है। अगला इसे बारी बारी से इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो अर्थात वाई प्लस 9 बराबर 0, तो वाई प्लस 9 बराबर जब 0 करेंगे तो एक बार प्लस में है इसका इस तरफ कर दीजिए पक्षांतर तो प्राप्त हो जाएगा वाई बराबर माइनस 9, कितना वाई बराबर माइनस 9, और दूसरा जो इक्वेशन प्राप्त है कितना प्राप्त है वाई माइनस 3, तो वाई माइनस 3 बराबर भी 0 कर देंगे, और वाई बराबर इस माइनस 3 का इस तरफ कर देंगे पक्षांतर तो हमें क्या प्राप्त होगा प्लस 3, तो प्लस 3 नहीं लिखते केवल 3 लिखते हैं, तो वाई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा केवल 3। अगला इसे लिख सकते हैं अतः वाई का मान एक तो प्लस 3 प्राप्त है या -9। ठीक, ये रहा आपका आंसर, यानी वाई का हमें दो मान प्राप्त हुआ है, एक तो प्राप्त हुआ है प्लस 3 प्राप्त हुआ है, एक तो क्या क्या प्राप्त हुआ है -9 प्राप्त हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अवश्य जाएँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो 8वां प्रश्न हो गया है, अब मिलेंगे आपसे 9वें प्रश्न में, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।